गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अर्चना। आज इसके पहले मैं आप लोग ईवीएस के 4 चैप्टर पढ़े हैं। मैं आज आप लोगों को ईवीएस का हर एक सभी चैप्टर का वन वर्ड्स करवा रही हूँ। आपकी सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं माय वर्डिंग, है ना, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर मैं एक बार समझा दूंगी इसको। आप देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आप जानते हैं, आपके पास कितने फिंगर्स है, 10 फिंगर्स है, 2 आर्म्स है, 2 फीट है, 10 टोज है, 2 नीज है ना, 1 नेक है, 1 हेड है ना। तो और आपके पास कितने आईज है, 2 आईज है, 2 ईयर्स है, 1 माउथ है, 1 टंग है और 9 टीथ है, 1 नोज है। ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स है ना। ये जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो हर बॉडी के हर एक एवरी पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है। तो दूसरे चैप्टर में दूसरे पेज में माय फिंगर्स के बारे में, माय फिंगर्स है ना, पाम, आप देख रहे हैं आपके ये पाम है ना, पाम में अलग अलग फिंगर्स है ना। आपके पाम का कितना, 5 फिंगर इसमें है और 5 फिंगर इस हाथ में है। तो हर एक हमारा जो फिंगर है, हर एक फिंगर का अलग अलग नाम है ना। सबसे ये हमारा क्या है, थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है और ये स्मॉल फिंगर है ना। तो हर एक फिंगर का क्या है अलग, ये हमारे इसमें पाम में 5 फिंगर है। आज मैं आप लोगों को बोर्ड पे इसको ड्रॉ करवा रही हूँ, आप इसे अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा। ओके, पहले आप अपने कॉपी में चैप्टर वन माय बॉडी, ये आपको राइट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके, इसे आप अपने कॉपी में कीजिएगा। आप अपने पाम को अपनी कॉपी पे इस तरह से करके, जैसे मैं बोर्ड पे रख रही हूँ, आप अपने पाम को भी अपने कॉपी में इस तरह से रखिएगा और इसे पूरा ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ करके हर एक फिंगर का, एवरी फिंगर का आपको नेम लिखना है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये ड्रॉ करने में। आप इसे ड्रॉ कीजिएगा कॉपी में, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको अपने कॉपी में से ड्रॉ करना। ओके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप भी अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बन गया है ना। इसी तरह से आपको भी अपने कॉपी में इसे ड्रॉ करना, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, आपका पाम है, आपकी छोटी छोटी जो पाम है, ये अगर इस कॉपी में बनेगी तो बहुत ही अच्छे लगेगी। आपको इसे अपने कॉपी में, अपनी कॉपी पे अपने पाम को रख करके इसे ड्रॉ करना है और एवरी फिंगर का नेम लिखना है। ये क्या है आपका थंब, क्या है, THUMB, थंब, ओके। ये है आपका इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और ये जो आपको बीच वाली उंगली है, ये है आपका मिडिल फिंगर, MIDDLE, मिडिल फिंगर। और ये आपका यहां पे है रिंग फिंगर, क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर, RIN
ड्रॉ कीजिएगा अपने थंब को रख करके। आप लेफ्ट हैंड के थंब पाम को भी रख सकते हैं, आप राइट हैंड के पाम को भी रख करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके इस तरह से आपको इसका फिंगर का हर एक फिंगर का नेम लिखना है। ओके, आप घर पे है ना, अभी आपको कुछ भी पिक्चर भी ड्रॉ करना है जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े, है ना, इसलिए आप इसे ड्रॉ कीजिएगा। और याद रखना है कि हमारी कौन सी उंगली को क्या बोलते हैं। आप तो सबसे पहले अपने पाम के इसको जानते हैं, थंब बोलते हैं, ये हमारा पाम है इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, और ये हमारा पाम है इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं, और ये हमारा पाम है ये जो है ये उंगली जो है सॉरी मैं पाम बोल रही हूँ, फिंगर है। ओके, ये हमारा थंब है, ये हमारा थंब है, और ये इंडेक्स फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है, और ये रिंग फिंगर है, और ये हमारा सबसे छोटी उंगली जो है वो हमारी मिडिल फिंगर। ओके, मैं इसे इस कर रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में जैसे मैं बनाई हूँ उससे आप ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपको यहाँ बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने बुक के पेज नंबर एट में ये फिंगर पाम बना हुआ है, आप इसे देख करके जिस तरह से मैं बताई आपको अपने पाम को रख करके बना लीजिए, आप उस तरह से आप इसको बनाइएगा। ओके, राइट बॉडी पार्ट से फॉर द फॉलोइंग राइट बॉडी पार्ट्स
डियर को किससे काटेंगे? टिक से। छोटी भी बनाई हुई है, आप इस तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है।
वो उसके बाद बॉय है, बॉय भी ग्रीन कलर से है और ऑरेंज कलर से है। ये कलर आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर से कर सकते हैं, ठीक है। थंब है, थंब से क्या करना है, दो थंब बनाना है, एक थंब से इसका स्टोमिक बॉडी बनाना है और दूसरे थंब से इसका हेड बनाना है। और आपको पेंसिल से ही लेग हैंड सबको ड्रॉ करना है, उसका हेयर बनाना है। लास्ट में मंकी है, मंकी में एक थंब का ही यूज करना है, एक थंब को बनाना है और फिंगर से अपने पेंसिल से इसे इसका टेल लेग और हैंड को ड्रॉ करना है, माउथ बनाना है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप घर बैठे हैं अभी तो, आपको घर बैठे हैं तो ये सब भी अगर आप पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपनी कॉपी में इसे ड्रॉ कीजिएगा, आज का डेट ये करना है, ठीक है। और इसे अपनी कॉपी में देख करके आपकी बुक के पेज नंबर 15 में लिखा ये है बना हुआ, आपको इसको देख करके अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। थंब से कलर और दो कलर लेना है और थंब को आप अपने थंब को उसमें डुबा करके थंब से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है, ओके। आगे का मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर का कुछ वर्क है मैं करवाऊंगी आप लोग को, ओके। आप ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।